నమో వీరసన గంధణీ గణధర గోదమీత ఇంట్రోడ సో లాస్ట్ టైం రెస్పెక్టెడ్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ భండారి సాహ్ హాస్ట విసేషన్స్ ఆన్ పంచాస్తికాయ్ And in Komtasar, it just gives an indication, Panchastikai kya hai, Navapatar. So I, when I was looking at Navapatar, I thought we may have the comprehensive information about first Patar out of the nine, that is Jivapatar. And in Jivapatar, when I was looking here and there, I was lucky to get a book, a comprehensive book called Navapatar, that's why i took the mangalacharan from that and the, that uh, navapat is uh, compiled by or written by srimata acharya bhikshu that's why if you see that main source to talk is of course we start with our thread

संस्कृत अफकोर्सो टन पंचास्तिका

सिद्धि में तत्व को ये कहते हैं तत्व शब्दों भाव दैट इज इट कैन बी डू एल इट कैन बी भाव वाची कथमजिट इट इज दट दट वर्ड इंग्लिश वर्ड इज तट बिकम्स ए प्रोनाउन सो इट बिकम्स सर्वनाम पथम

जो अर्थो जब पीछे हमने अर्थ समय का समझा शब्द समय से अर्थ समय तक हम पहुंचे जो अर्थो यदित तथा एस इज वेरी विदाउट एनी काइंड ऑफ मिक्सिंग अप नो कन्फ्यूशन यथावस्थित तथा है तट मीन दट इज द वन देर इज नो कंफ्यूशन वेन वी आर मेन्शनिंग दट तट that 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 person, that position, substance, that that uh, substratum etc. we 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 are 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 exactly telling not not mixing it, we are not it. confusing पूज भा स्वामी का ये परिभाषा है सो so, यहाँ पे जो भिक्षु महाराज साहब का ये है वस्तु के स्वभाव को तत्व कहते हैं स्वतंत्र सत्ता शुद्ध द्रव्य को तत्व कहते दैट व्हाट यथा अवस्थित है स्थाई स्वतंत्र सत्ता वी अंडरस्टूड व्हाट इज सत्ता इन द पंचास्तिकाय में शुद्ध द्रव्य को तत्व कहते हैं यानी कि अशुद्ध रूप से नहीं शुद्ध रूप से अर्थात जो निरंतर गतिशील अपने में ही सक्रिय रहता है उसको सो वी अंडरस्टैंड दिस तत्व जो सर्वार का जो परिभाषा जो व्याख्या है ये जीवा जीवा सरबंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्व उस तत्व के लिए इन्होंने जो पूज्य बा स्वामी ने जो ऊपर दिए गए हैं उसके okay, अर्थ को मैं समझाया सो so, तत्व मीन्स वस्तु के स्वभाव तत्व दटनस दटनस मीन दट स्वभाव वी आर मेंशनिंग दट तद्भाव तट स्वभाव तद्भाव अव्ययम सो वी दैट इज समथिंग विच इज परमानेंट एटर्नल And that is what, शाश्वत that is the point. पदार्थ में जिससे पुण्य पाप रूपों पदो, का बोध हो उसे पदार्थ कहते हैं क्योंकि हमें जो है जीव पदार्थ से हम लोग जीव होने की वजह से पुण्य पाप को उनको उन पदों को अच्छी तरह हमें समझना चाहिए ये नव पदार्थ से ये पुण्य पाप अलग से रखा फिर भी नवप्रदार्थ है जुड़ा हुआ है इसको पदार्थ में इस वो पद है उस पद को बोध कराता पुण्य पाप रूप पदों को बोध कराना पदार्थ कहते हैं यूज़ द्रव्य गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं गुण पर्यत पर्यवत द्रव्यम तत्व सूत्र में तत्वाधिकम सूत्र में हम पढ़ते हैं so, so वस्तु का स्वभाव व्हाट इज पदार्थ पुण्य पाप पदों का वर्णन निरूपण और द्रव्य जनरली जो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं वेन वी इंट्रोड्यूस द वर्ड जीव देन वी आर दीज वर्ड जीव तत् जीव पदार्थ और जीव द्रव्य स्पेसिफिकली अर्लियर इट वॉज जनरल नाउ वट इज जीव तत् द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्व चतुष्ट रूप आता है। भी जो भी हम इसको जो परिभाषा को समझना है it has four dimensions, काल, और भाव. So, ये उसके अपने रूप से देखते हैं जो पर चतुष्ट ऐसे नहीं उसके अपने के, अपने द्रव्य अपना क्षेत्र अपना काल अपना भाव स्वकाल, स्वच्छ जीव में ज्ञान दर्शन चेतना भाव जीवरूपी हैं अथवा जीव तत्व है तो so, जीव तत्व का द सेंट्रल कोर पॉइंट इज उसके चैतन्य भाव चेतना भाव जो है वो जीव तत्व है दैट इज द ओनली थिंग जीव का अलावा और कहीं ये मिलता नहीं पाया नहीं जाता है ज्ञानानंत, ज्ञानानंत स्वभावी आत्मा का बोध होता है वह जीव पदार्थ है तो जीव पदार्थ क्या है तो जीव पद पुण्य पाप से हट के पुण्य पाप के स्रोत जो ज्ञान आनंद है ज्ञान और आनंद उसके स्वभावी आत्मा चैतन्य के साथ जुड़ा हुआ तो आनंद तो ज्ञान आनंद स्वभावी आत्मा का बोध होता है वो जीव पदार्थ जीव पदार्थ में पुण्य पाप जो है अंतर्गत हो जाता है बट जीव आगे निकल आता है स्वनाम चतुष्ट वाला होने से वह जीव पता है जो नाम से स्वनाम चतुष्य अपना जो नाम है अपना द्रव्य है। द्रव्य द्रव्य वाला। द्रव्य है वाला जिसका द्रवित अर्थात परिणमित होने का स्वभाव है वह जीव द्रव्य है जीव में भी द्रव्य रूप है इसको द्रवण होता है उत्पाद रूप से द डायनामिज्म रहता है द्रव्यम द्रव्य सब द्रव्य द्रव्य स्वभाव दैट इज द्रव्यम द्रव्य स्वभाव यानी कि विच इज ऑलवेज फ्लोइंग द मोबिलिटी इज ऑलवेज दैट अर्ध समय से दैट इज अर्ध अगुरुलुप्त अगुरु लघुत्व अगुरु लग, रूप से ये षट गुण हानि वृद्धि रूप से और दस उत्पाद वे चलता रहता है बद्रुवत्व रहता है जीव के असंख्यात प्रदेश होने से उसका एक क्षेत्र है अतः वह जीवासिकाय है उन्होंने जीवासिकाय भी जोड़ा है क्योंकि असंख्यात प्रदेश जहाँ पे जीव और अमेशा वे जीव इज ऑक्युपाइंग हमेशा वे तो जीवो जीव हो या सिद्ध जीवो कोई भी दिशा दशा में जीव का अस्तिकाय जीव का प्रदेश बहु प्रदेश है एक प्रदेश नहीं है दुई नहीं है सो अस, अनंत नहीं है असंख्यात प्रदेश होने से वो अस्तिकाय कहलाता है कभी भी अपना जो असंख्यात प्रदेश को छोड़ता नहीं है बहुत अच्छा है ये वाचक मुझे बहुत अच्छा लगा जो हम देखते हैं फ्रॉम उत्तराध्यान सूत्र में अट्ठाइसवान अध्याय में कह नानम चमसनम चरितम चवो तहा ये जिने वरदर्शी गम भगवान ने हमें मार्ग बताया जो मार्ग है हम आम जो हमारा मार्ग है मोक्ष मार्ग है ज्ञान दर्शन चारित और तप ये चारों को मिलन से ज्ञानाचार ज्ञान आराधना तब आराधना दर्शन आराधना चारित आराधना तबो आराधना करके एक आराधना मूल आराधना ग्रंथ भी है भगवती आराधना कहते हैं हम लोग इसमें बड़े विस्तृत रूप से वर्णन है कैसे हम अपना ज्ञान और दर्शन को चारित्र में ट्रांसलेट कर सकते ज्ञान और चरित्र को जो हम पढ़ते हैं जो हम समझते हैं वो उसको अपनाना है वो चरित्र चरितार्थ करना है और चरितार्थ करते वक्त अपना बल देना है वो तबो बल से मिलता है

जो सभी स्वभाव विभाव को अच्छी तरह से हम ज्ञान से तो जानते हैं और से नोइंग इट हम अपने दर्शन से, से हम उसको श्रद्धा करते हैं सत्य है श्रद्धा करते हैं वी डू नॉट बिलीव इन दैट एवरी मोमेंट एवरी स्टेप इफ यू आर डाउटिंग अबाउट इट वी विल नॉट बी मेकिंग एनी दम्स है नहीं चरित नाये वंस वी डू चरित्र से चारित्र से और निवृत्त रूप से निवृत्ति धाम रूप से आगे बढ़ते हैं क्योंकि अपना वस्तु अपने वस्तु तो अपना है और पराय वस्तु को छोड़ते हैं पर भाव को छोड़ देते हैं स्वभाव में रहने का स्वभाव का उसकी एनरिचमेंट करना लग जाते हैं स्वभाव को बढ़ाना लगते ज्ञान दर्शन रूप से शुद्ध चैतन्य रूप से अपना स्वभाव को तो बढ़ते जाते हैं ये है तो तबे इन्हें परिशुद्ध एंड दिस इज बाय इज बिकम परिशुद्ध हो जाता है तब से जैसा हम लोग जो माइंड से सोना को ले आते हैं सोना को आग से और सोना शुद्ध हो जाता है वैसे अपने तपस्या से तपन से अपने आत्मा शुद्ध हो जाता है इसके आधार पर ज्ञानानंद स्वामी जी ने माला आरोहण करके एक ग्रंथ है बड़ा अच्छा ग्रंथ है उनके ये कहना तत्व से हमें क्या मिलता है तत्व का अच्छी तरह समझने से हमारा सुदृष्टि हो जाता है सुदृष्टि होने का विषय है तत्व पदार्थ ज्ञान से हमें ज्ञान का विषय होता है तो क्योंकि पद और अर्थ का अर्थ होने से अर्थ समय होने से ज्ञान समय से अर्थ समय होने से, से ज्ञान का विषय है द्रव्य के बोध से चारित्र का विषय द्रव्य से चरणम द्रव्य से चरणम द्रव्यू फ्लो इन टू अवर वी गेट इन टू अवर चारित्र सो चारित्र, चारित्र, चारित्र होता है समय चारित्र होता है और आस्तिकाय के बोध से तप का विषय होता है तप जो है विस्तीर्ण से अस्थिकाय से इन्होंने बहुत सुंदर से मैं और कहीं नहीं देखा इतना सुंदर से तत्प द्रव्य और हमारे लिए क्या लाभकारक है ये बहुत सुंदर अच्छा लगा सो वी कम टू नव पदार्थ पदार्थ का अर्थ मीन्स वस्तु वी डोंट अबाउट विच इज इमेजिनरी असत को हम बात नहीं करते असत भाषा ही नहीं प्रयोग करते हैं क्योंकि सत्य वस्तु ही बात करना है सत्य प्रश्न वाचक है सत्य नित्य है और निरंजन रूप से होता है इसलिए पदार्थ का अर्थ है सत्य वस्तु के ग्रहण करना सो पीछे हमने कोम सार से वो गाता सामने देखा नव पदार्थ का नाम सो ऐसे ही मिले जुले गाता हम जो है पंचा में एक सौ आठवा नंबर गाता है जीवा जीवा भाव आसपम ते सिम संवर निर्जर बंधो मोको ये हवंति ते अट्टा अट्टा में हर पदार्थ ये नव पदार्थ के उन्होंने वर्णन दिया आगे अच्छे मिलता है सो अगले टॉक में विल पिक अप दिस थ्रेड हम देखते हैं स्थानांग सूत्र में टानांग सूत्र में इसका वर्णन नव संभा संभाव पयत्ता पन्नता समझहा जीवा अजीवा पुन्नम पावो आसबो संवरो निर्जरा बंधो मोको आप देखे को दोनों को दो, आगम को देखे पंजा सिकाय वो कोम सार सेम नंबर सीरियलाइज्ड आगे पीछे है ही नहीं इतना सुंदर सा हम लोग ने हमारे पूर्व आचार्यों ने बहुत सुंदर तरीके से भगवान महावीर का प्रवचन को बचा का है उसी ओ, से आगे पीछे नहीं पताता means, सद्भाव पता मीन्स सद्भाव पता है सद्भाव है नित्य मानत्व विद्यमान तेन पता है सद्भाव विद्यमान इट हैज टू बी देयर जो मेरे अंदर नहीं है उसके बारे में स्तुति करें बोलें वो सद्भाव नहीं होगा असद्भाव होगा तत्व भूत भूत भुद पदार्थ ते च नव प्रज्ञप्ताह सत्यदा जीवा जीवादि ऐसे हमें संस्कृत में इस स्थानांग सूत्र का हमें टीका मिलता है अगेन नव पदार्थ का क्या प्रयोजन है अगेन so उत्तराध्यान में अध्याय में हमें ये मिलता है जीवा जीवा यो युनम पापाता संवरो निजरा मोको संतेह तु तुभाम सभावे हैं वो ये सायनं भावे ना सत्य ही जो समय तो पराक्रम है महत्व को महिमा को ये जो नवपदान तो को अच्छे तरह से उसको भाव को सभाव को सत्य भाव को नित्य भाव को अच्छे तरह उपदेश से समझने से आमे समय हमारा जो दर्शन है हमारा दृष्टिकोण है वो सुदृष्टि हो जाता है सम्मतम तम विहाई जीव अजीव के अवलोकन करने से बिना मन का ब्रह्मम नहीं मिटता वी अंडरस्टैंड लोकन नहीं आलोकन से पर्यालोकन से पर्यालोचन से जब अच्छे तरह से हम पर के पढ़े सुने संभाषण करें अच्छे तरह करने से जब ये मन का भ्रम दूर हो जाता है सम्यकित आए बिना सम्यक तो आए बिना जीव के नए कर्मों का संचार नहीं रोकता को, जो समर पदार्थ हम तो आगे जाके देखेंगे जब तक हमें किसको रोकना है किसको अलो करना है जब तक हमारा ये डेशन नहीं होता निर्णय नहीं होता और सम्यक्त तो भाव से ही होता है तब तक वो ये समर नहीं हमें मिल पाता समर जब तक नहीं मिलता वो जब तक हम अचीव नहीं कर पाते तब निर्जरा नहीं हो पाते तपस्या तपस्या से भी निर्जरा नहीं हो पाते जो प्राणी नव ही पदार्थों में से प्रत्येक में यदा तथ्य श्रद्धा रखते हैं वे निश ही समदृष्टि जीव हैं और ये कुछ सेंटेंस रह गया कोई बात नहीं ना टॉपिकल टॉपिक जीव पदार्थ आई थिंक समवेयर कृपया उसको यू म्यूट कर लें अच्छा रहेगा ऐसा आवाज आ रही है इन्होंने नव पता में Uh, नव तत्व या नव में ये इनके गाता है महाराज का है जो विक्षु महाराज का सा सतो जीव दर बसाख्यात कदे खडे नही तिल मात तिन असंख्यात प्रदेश खडे बते बड़े खड़े बंधे नहीं लवकेश सिलसुंतरभेद कह्यो जीवहे भाव जीवरा भेद अनेक तिन रोह बहुत कह्यो विस्तार ते बुध बंधु जाने विचार कितना अच्छे से कह रहे हैं कि आप समझने के बाद बुधवंत लोग बुद्धिमान लो, लोग को उसको विचार करें जीव द्रव्य प्रत्यक्ष शाश्वत है उसके अनंत संख्या कभी नहीं घटती जो टोटल अनंत है वो कभी नहीं घटती वह असंख्यात प्रदेशी हैं इसके असंख्यात प्रदेशों में तिल मात्र भी लेष मात्र भी घट भर नहीं होती दट असंख्यात प्रदेश जिस तरह है उनकी कभी भी किसी भी अवस्था में उसकी जो असंख्यात प्रदेश का टोटल वॉल्यूम है कम या बढ़ नहीं पाता सर्वजीव असंख्या प्रदूषण के अखंड समुदाय हैं। इसी में द्रव्य जीव एक कहा गया द्रव्य रूप से जीव एक है भाव रूप से जीव अनेक होते हैं। नव पदार्थ ग्रंथ में ट्वेंटी थ्री अंडरस्टैंड जीव पदार्थ इसको इन्होंने सूत्र से बीसवें में शतक के दूसरे उद्देश्य के पाठ से इन्होंने एक बाईस नामों का उन्होंने लिया तेईसवा और कहीं से भगवती सूत्र से लिया और कहीं से लिया है तो ये भगवि सूत्र में ये कहा जाता है बाईस नामों को गिना जाता है गोयमा अने अभिवयना पन्नता तम जहा जीवेती वा

स्वयंभूत वा सशरीरि तिवा नायेि नाये अंतरपति वा जे जो यावने तक पकारा सब्वे ते जा वे अभिवचन विच मींस विच इज वेरी वेरी मीनिंग अभिवचन सो ऐसे हमें बगौस सूत्र में बाईस नामों को एक वेदक एक नाम है वो आगे से हैं सो हम लोग विल रन थ्रू दिस ट्वेंटी थ्री नेम्स टुडे एंड अगला में वी विल पिक अप फॉर दैट सो ऐसे ही इन्होंने नव पदार्थ में जीवेति वा जीव तो जीवेति वा इट टेक्स दट वचन यू you नो know, प्रवचन है आगम वचन को आगे लेते हैं वो भगवती आराधना का भगवती सूत्र का वचन को ऐसे लेके जीवे वा दैट इज अ स्टार्टिंग लाइन जीव रो नाम है आबु काने बले जीवे ताम वो तो भावे जीव संसारी दिन ने बुधवंत ली जो विचारी बट हर जगह में एक प्लीज कीप थिंकिंग उसको आप सोचिए सो so, ये क्या है कह रहे हैं कि जीवोतिवा व जीव जो पदार्थ हैं, जो संसारी अवस्था में आयु कर्म के सबसे आयु बल जीवे, आयु और बल के हिसाब से हमेशा जीता रहता है तो उस भाव जीव भाव से संसारी अवस्था में हमेशा इसके दो फैक्टर्स है ड्राइविंग फोर्स लाइफ लाइफ फोर्सेस से एक आयु कर्म है दूसरा बल है इंद्रिय बल काय बल वचन बल तो और श्वास उच्छ्वास दैट इज द ब्रीथिंग इज रेस्पिरेशन इससे वो जीव जाता है सो हम वी इट फ्रॉम प्रवचन सार पाने किम चतुखिम जीव दि जो ही जीवित पुवम सो जीवो पाना पुनः पोकल दिवेगम निभाता शरीर वांग मन आनपाण उपकार हम जो सर्वास जीव में तत्वा में देखते हैं तो पुतकल का उपकार क्या है शरीर है? मना आना आनापाण करके हम लोग के एक सूत्र है यानी कि पुतकल द्रव्य से हमें शरीर मिलता है वा जो वचन योग मिलता है वचन के जो जो उसको शक्ति वॉइस बॉक्स एक्सेट्रा रिलेटेड उसका भी भाषा वर्गना से मिलता है और ये मिलता है आन पान पान रेस्पिरेशन ये ये, so, ये सारे सो so, जीवो द्रव्य से ये बनता है संसार जीव एकिम चुगिम स्टार्टिंग फ्रॉम फोर जीव दि जीवसी सो मिनिमम चार प्राण सभी संसार जीव को होता है उसी से हमेशा तीनों काल में वो हमेशा जिंदा रहता है जीवदी जीविसती जो ही जीवित हो पूर्व पूर्व में भी जीवता है, सो हमेशा रहता है इसलिए जीव कहलाते हैं शुद्ध निश्चय नयने शुद्ध चैतन्य लक्षण निश्चय प्राणे ने यद्यपि जीवती तथा अशुद्ध नयने द्रव्य भाव प्राणे जीवितें जीव तो so, प्रश्न आएगा कि मतलब जीव का ये जो डेफिनेशन है परिभाषा है सिद्ध परमेश्वर को तो प्राण तो है हाँ ही नहीं सो so, इसका मतलब कि वो जीव है हाँ ही नहीं तो so, इसलिए ऐसा भी विद्डावाद हुआ था सिद्ध अवस्था में जीव है हाँ ही नहीं ऐसे भी लोग तब ये कह रहे हैं कि वो चैतन्य रूप से जिसको सारे ड्राइव वाइटल फोर्स ये जो सारे वाइटल फोर्स हैं आयु बल सारे इंद्रिय हैं श्वास स्वा, उच्छ्वास है जो रेस्परेशन है निश्वास उच्छ्वास है निष्प्रेषित सारे जो फोर्सेस, बैकअप फोर्सेस, द चैतन्य फोर्स इसने शुद्ध निश्चय नयन ने भी शुद्ध चैतन्य लक्षण निश्चय प्राणों से जीता है तथा भी अशुद्ध नये से द्रव्य भाव प्राणों से जीता है सो so, ये जीव का आधार चैतन्य है वो ही प्राण है दैट इज दी लाइफ फोर्स और वो शरीर के अवस्था लेने के बाद उस थ्रू एक्सप्रेस करता है जीव अपने आप को एक्सप्रेस करता है अभी साइंस में काफ़ी डिस्कशन हो रहा है कि जीव को कैसे डिस्कवर करेंगे जीव के डिस्कवर करना यही माध्यम है जिसकी रेस्परेशन इज वन इंपॉर्टेंट फैक्टर रेस्परेशन डज नॉट मीन बी यूज ओनली आवर इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन रेस्परेशन ऑल्सो मीन्स एनोरोपिक रेस्परेशन में we use chemical substances so respiration basically electron transfer uska aadhar hai jahan bhi electron transfer ho raha we can infer there is a jeev behind it so ye hame said pata chala i think i should go a little far sorry पीछे हमने अस्थिकाय में पंचास्तिक जीव अस्थिकाय में अच्छी तरह हम समझ लिया जीवत्तिकाय जीवो जीव रो नाम देह धरे चाहे देह पनी आम प्रदेशाम्रा समुगते काय पुतकलरा समुगत छेलो लो ताए उन्होंने इसी बात को हमने पीछे अनियोग द्वार चोरने से जीवाशिकाएं यस्मा जीवितांबन जीविति जीविष्यति चैतस्मा जीव है जीवित जीवाशिकाएं में अस्तित्व रूप है यानी कि हमेशा जीता रहता है कभी मरण नहीं होता जीव का वियोग होता है एक शरीर से दूसरे शरी, एक शरीर से वियोग होता है उसका हम लोग मरण करते हैं जो वो वियोग है इट इज ओनली सेपरेशन बट इज नॉट द एंड ऑफ इट अस्थि अस्थि प्रदेशा अस्थि सबको पीछे हमने इसके बारे में अच्छी तरह डिस्कस किया अस्थि प्लस काय अस्ति काय समास रूप से ये कॉम्पाउंड नेम है इसको इन्होंने सेकेंड नेम जीवास्तिकाय का प्रयोग किया थर्ड हम लोग अक्सर सोचते हैं ये प्राणी ये कैसा प्राणी हो जो प्राण से जीता है वो प्राणी है सांस वो सांस लेवे वे छाम तीन सु पाने ती वा जीव रो नाम भू हे ती वा कहो तो हिन न्याय सदा चैत कालरे काल माय आई थिंक ये वाला स्टैंड मिक्सअप हो गया ये भूत के लिए वो ना था एनी वे मीनिंग तो सेम है सही वा ने सही वा तम्मा पाने जो रेस्पिरेशन उश्वास निश्वास ते वत्तम्वं सिया जीव श्वास निश्वास लेता है उसमें वह प्राणी कहलाता दिस रेस्पिरेशन गिव्स द इंडिकेशन देयर इज अ प्राण प्राणी शब्द का दूसरा अर्थ इस प्रकार है जैन धर्म में दस जीवन शक्तियों का माने गई है तो हम लोग कहें दस प्राण से लेके नीचे जाते जाते कम होते होते चार प्राण तक रहता है तो इंद्रिय बल पांच मन बल छ वचन बल सात काय बल आठ स्वाचो स्वास नौ और आयुष कर्म ये दस प्राण है पे बलों प्राणों जीवन शक्तियों का धारण करना है जीवन है और चूंकि कम से कम चार प्राण बिना कोई संसार जीव नहीं होता अतः सब प्राणी प्राणी साइंस बायोलॉजिस्ट बिकॉज दे कैन ऑलवेज मेस्ट द रेस्पिरेशन फेनिन भूत भूत इस पर क्योंकि मंगलाचरण में भूत एक शब्द है ये भी मंगलवाचक है भूत जम्मा भूते भविष्य सती ये भूयेति वत्तवस्या बगवती सूत्र में ये डेफिनेशन है बिकॉज जो भूते दट इज भूत काल में था भवती अभी है भविष्यती और रहेगा जीव का ऐसे स्वभाव होने से वह भूत कहलाता है भू शब्द जो धातु है भूर भूत है तत्सविधूर वरेण्यम जो हम देखते हैं गायत्री मंत्र जैन गायत्री मंत्र आई एम चलिंग जैन गायत्री मंत्र अभी आजकल वो अलग अलग गाय सो so, वो जो भूर स्व है ये जो है न बूर टॉक्स स्व तीनों काल को बात करता है इसलिए भूत जो शब्द है भू से आता है सो so, भूत का ये मंगल वाचक होता है क्योंकि जीव जो है मंगल है जहां जिस शरीर में जीव है तब तक वो मंगल है और जीव नहीं है वो शिव नहीं है वो शव बोला, वो, वो जाता है इसलिए भूत जो है मंगलवाचक है सो वहां पे जीव रहता है उसको भवन धर्म के विपक्षा से जीव भूत जहाँ भूत जीव रहता है वो शरीर भवन कहलाता है वो, वो मकान भवन वो ना वो शरीर तो भवन है क्योंकि सभी जीव जंतु को शरीर तो अवश्य है वो भवन है तासु ता तासु गतिशु कर्मोदय वशात भवंती भूतहा प्राणि नर्थ सर्वासिद्धि में पूज स्वामी कहते हैं जो कर्मोदय कारण विविध गदियों में होते हैं वे भूत कहलाते हैं भूत या प्राणी का पर्याय व शब्द है जीव सदा जीवित रहता है वह कभी मरता नहीं किसी भी काल में जीव अपने चैतन्य स्वभाव को नहीं छोड़ता इसलिए सर्व जीव अपने चैतन्य स्वभाव से सदा जीवित रहते हैं चेतन स्वभाव को छोड़ना जीव द्रव्य के लिए संभव नहीं अतः उसका मरण भी संभव नहीं सो लेट अस अंडरस्टैंड वी नेवर डाई दूसरा है जीव का अभिवचन अभिवादन नियम है।, सत्व है। खुद की, का, का, का कारण है इसलिए जीव सत्व है इन्होंने संसार जीव के हिसाब से कहा संसार जीव में शुभ का कारण अशुभ है पुण्य या पाप है बट सिद्ध परमेश्वर को ये अशुभ अपुण्य पापम पर पुण्य हेतु भगवान सिद्ध परमेशी अपुण्य पापम पर पुण्य हेतु बट सिद्ध परमेश दूसरे को पुण्य का कारण बनते दुष्कर्म विपाक वशात नाना योनिषु सी सिकुड़ता है ठंड में थी बुरे कर्मों के बल से फल से जो नाना योनियों में जन्मते और मरते हुए सत्व सत्यो ये न्याय शुभ अशुभ पोते जय ताय यहाँ पे नव प्रतात में उन्होंने शुभ शुभ नाम से लिया यानी कि सत्व जो है हमें कहना चाहिए संसार जीवों को हमें सत्व कहना चाहिए छठवा नाम है विज्ञ विनु ती वा विषे रो जान शब्दादिक शब्दादिक लिया सर्व पिछान इंद्रियों के सबदादि विषयों का अनुभव करने वाला जानने वाला से so, शब्द आदि को लिया यानी कि विक्य जो है अज्ञेय नहीं है विज्ञ है ज्ञान है थोड़ा विशेष ज्ञान है विज्ञा है यानी कि शब्दों को समझ लेता है शब्दों को भेदावध समझ लेता है, यानी हायर आर ऑर्गेनिजम्स ज शब्द को समझ नहीं पाता सो so, विके है लिटिल बिट हायर कैटेगरी वेद ये वेद जो है ये जो पीछे भगवी सूत्र से और अन्य सूत्र से लिया है अगली बार मैं उसको बता भी वे दूंगा वेद का है यानी कि उदय का भोक्ता है वेदता है वेदनीय कर्म वेदता है समझता है सुख-दुख का वेदक बोकने वाला होने से जीव वेदक है जीव ढौर ढौर सुख दुख का अनुभव करता है एवरीवेयर यहाँ यह जीव चेतन है और तथा पुतकल का स्वादी रहता कुछ नहीं करता पुतकल का पुजारी रहता है ये स्वादी रहता है वे वा जीव रो नाम सुख दुख वेदे चय ठाम एवरीवेर ते तो चेतन सरूप संबादी सदी सो पुतकल को स्वाद लेता रहता है सगंध हाल अनेक अनेक रूप से हम इंद्रियों से पुतकल का वेद करते रहते हैं उसका अच्छा मानते हैं बुरा मानते हैं सुख मानते हैं दुख मानते हैं आठवां नाम है चेता क्षेत्रता करके काफी नाम जीव पुतकुलों की रचना इनका क्षय करता है इसलिए क्षेता है इज अ मोर ऑफ ए डिजाइनर स्कल्प्टर यू मे से पुतकुलों का क्षय कर विविध प्रकार के अच्छे बुरे रूप धारण करता है इसे जीव का नाम क्षेता है वा जीव रो नाम पुतकलनी रचना करे ताम विविध प्रकारे रचे रूप ते तो बूढ़ा ने भला अनु करके ये उनके सूत्र है कहता है नाइन्थ नेम इज जेता विजेता जेता जीतना वाला जेयाति वा नाम श्रीखार कर्म रिपु नो जीतन हार तिन रो कर्म सकत अतंत थोड़ा में करे कर्मा से अंत तो जेता जो है जिनेश्वर जिन तो कर्मरूपी शत्रुओं को जीतने वाला होने से जीव का ये उत्तम जेता नाम है जीव का पराक्रम उसकी शक्ति वीर अनंत है जिससे अल्प से ही अल्प में ही वह कर्मों का अंत कर सकता है आत्मा अक्सर पीछे भी ये डिस्कशन में आया था आत्माख्या सो so वी हेवर आत्मख्या समय सर आत्मख्याति गाता में उसके टीका में अमृत चंद जी ने दर्शन ज्ञान चारित अत अदी चारित यदीत यदीति आत्मा, आत्मा ये आत्मपद स अभिधेय दर्शन ज्ञान चारित य थी थी आत्मा यदि यानी कि किट दर्शन के चारित्र को वो वो आत्मा है वो कहते हैं ना जिसका आत्मा कहाँ छुपा हुआ किसी भी कहेंगे तो वेर इज इज हॉट ये हमारा दर्शन के चारित्र है वही हमारा आत्मा है अदा आत्म शब्दार्थ कथ्य दे अत धातु सादत्य गमने ने अर्थ वर्त अत धातु है संस्कृत में या प्राकृत में भी ये गमन शब्द के लिए प्रयोग होता है गमन शब्द ना अः ज्ञान भन्य इसलिए तो श्री कृष्ण को यू नो हम जो गाय को बचा गाय को नहीं बचाया श्री कृष्ण ज्ञान को बचाया सो गो गो शब्द जो है केवल गाय के लिए नहीं ज्ञान के लिए इसलिए गौरी गायत्री गीता अनेक अनेक नाम जो है सारे ज्ञान का है पर्याय वाचना ज्ञान बन्य थे सर्वे ग्यस्ता ज्ञाता वचना गमन सरकात, अधिगम यू नो त अधिगमान अधिगम अधिक मीन्स ज्ञान का बोधना बोध, जब बोधन करते हैं दूसरों समझाते हैं आदि अधिगम हो जाता है गम में ज्ञान का होता है तेनाली ज्ञान वर्तते स आत्मा भन्यते तो ज्ञान के रूप से जो है तत्व है द्रव्य है पदार्थ है वो जीव है इसलिए उसको आत्मा कहलाते अथवा शुभाशुभ मनोवचन काय व्यापारे यवम तीव्र मंदादि रूपेण आसमधा अतति अतति वर्तते यह स आत्मा अथवा द्रव्य आसनम आसबंधात अतति वर्तते य आत्मा सो so, उत्पाद व्यय के इन्होंने द्रव्य के रूप से जब कहते हैं सभी द्रव्यों का आत्मा रहता है क्योंकि वो ऑलवेज देयर डायनेमिक उत्पाद वे रूप से डायनेमिक रहने से वो आत्मा कहलाता तो इसी को उन्होंने हिंदी में रंगन जीव रंगन ती वो राग द्वेश रूप रंग रा रहे तीन सु मत वालों आत्मा ने लगा वे कालो जीव राग मोग राग द्वेष रूप रंग में रग, रंगा रहता है और मोह में मत वाला रहकर आत्मा को कलंकित करता है इसे इसका नाम रंगन कहलाते हमेशा जो शुद्ध स्फटिक रूप आत्मा को उसमें जो मोग राग द्वेष रूप कलंक से रंग से रंग आता रस से रंगन कहलाता है तो रंगन और जेता में क्वाइट अपोजिट मीनिंग हिंडुक हिंडुती वा जीव रो नाम चिंह गति मोह हिडयो चैताम कर्म ही लोल ढाम ढाम खट पाम्यो नहीं विसराम कर्म रूपी झूलने में बैठकर जीव चारों गदी में झूलता रहता है व्हील में बैठ के चारों घूमता रहता है कभी भी विश्राम नहीं पाता इसे जीव का नाम हिंडुक है, घूमता रहता है उसको कोई रुक नहीं सकता वो हमारे लिए हमारे पास ऐसा तंत्र नहीं है हम उसको रोक सकते हैं चारों गदी में घूमता रहना पड़ता है हिंडूकल भी एक नाम है क्योंकि जीव पदार्थ का जीव भाव कम हो पुतकल भाव ज्यादा हो जैसे निगोद पर्याय में वो उसके एक कैन बी इवन बैक्टीरिया फॉर दैट मैटर बैक्टीरिया हम लोग लैब में आ, फर्मेंटेशन करते हैं कल्चरिंग करते हैं इट्स आर अमेनेबल टू रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर एक्सेट्रा वाटर कंडीशन इसलिए वो पुतकल रूप से काम में आता है पोकलेती या जीव रो नाम पुतकल लेलो लो मेल्या ठाम ठाम पुतकल माँ के रचे रखियो तिन सु लागी संसार री नीव पुतकुलों का आत्मप्रदेश में जगह जगह एकत्रित कर सक रखने से जीव का नाम पुतकल है पुतकल में लिप्त रहने से ही संसार की नीव लगी है या दिट इज अ पॉइंट जब तक हम पुतकल के ऊपर आकर्षण नहीं है अनुमात्र में भी हम आकर्षण नहीं रखते हैं हम शुद्ध परमेश्वर बन जाते हैं और इसी से जो परिग्रह से इसका पुतकल से, राग से द्वेष से है उसको पुतकल भी कह सकते हैं जीव रूप नहीं है वो ऑलमोस्ट पुतकल रूप से वो दिखता है मानव मानवेति ती नाम नवो नहीं साम जा तो पलटे जाय द्रव्य द्रव्य तो जूरो झूरो जीव कोई नया नहीं परंतु शाश्वत है इसलिए उसका नाम मानव है जीव के पर्याय पलट जाती है परंतु द्रव्य सेवक कैसे वैसे ही वैसा रहता ऐसे ही वैसा रहता है इसलिए मानव कहलाते हैं तो मानव का मतलब है कि वो आदमी जो है मान यानी कि मेजरमेंट दैट इज स्टैंडर्ड्स अपना स्टैंडर्ड से नीचे नहीं गिरता इसलिए मानो कहलाता है एक वचन दे दिया ये जो आल समाज में जैसा रहना है उसको स्टैंडर्ड्स उस को मेंटेन करता है इसलिए मानो देन वी हैव फिफ्टीन करता करता ती वीवरो नाम परम आरू कर्ता चैता तिनसू तिन ने खयो चै आश्रव तिनसू लाखे चै पुत्कलतरब कर्मों का कर्ता उपाचन करने वाला होने से जीव का नाम करता है कर्म को कर्ता इसलिए करता है कर्म कर्ता ये सारे देखेंगे आप उसी में जो व्याकरण में जो आ जाते हैं वो कर्माने कर्ता को कर्म से तो वो कर्ता भाव इसमें आता है कर्मों को कर्ता से जीव को आश्र कहा गया है ये जिस कर्तृत्व के कारण ही जीव को पुत्र द्रव्य लगता रहता है सो इट इज जो कर्म भाव कर्म में कर्ता भाव रखने से जो द्रव्य अपना नहीं है आप अपने आप नहीं है उसमें कर्तृत्व भाव रखने से कर्तृत्व कर्म चेतना करने से ये कर्ता कहलाता है तो हैव हाँ इन मोक्षपाक द्रव्य संघ वो नो अधिकारों में नो अभिवचनों प्रयोग करते हैं उसका अगली बार हम देखते हैं उसको तुलनात्मक रूप से विकर्ता विक, कर्मों की विकर्ता है इसलिए विकर्ता है। कर्ता का ऑपोजिट विकर्ता है ये कर्म बिखेरना ही निर्जरा निर्जाई कहना चाहिए निर्जरा की कहनी है जीव का अंश रूप उज्ज्वल होना निर्जरा है तो निर्जरा है तो विकर्ता रूप से करता है जो अपना परिपालन करता है अपना लाइफ को रखता है ये विकर्ता तीवा नाम इन न्याय कर्माम ने विधु ने चैताय आ निर्जरारी करनी आम जीव उचलो छय निर्जरा काम सो so, के रूप में तब से तब से चारित्र से उपवास से अपना आचरण से जब आप कर्मों को निचरा करता है वो जीव को विकर्ता कहते जगत जगत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है तमिल हैचरण में मंगलाचरण में ये जगत का वर्ड आना जरूरी है जगत का जो भी कहते हैं तमिल साहित्य जैन साहित्य में जगत का प्रयोग होता है जगत मीन लोक प्रयोग जगत उसी शब्द से नहीं जय ती वाम तनो विचार ही गमन तनु कारण हार एक समय लोकांत लग जाए एक भी सकत अस्वाभाविक पाए जीव में एक समय में लोकांत तक जाने की स्वाभाविक शक्ति पाई जाती है इस प्रकार अत्यंत शीघ्र गति से गमन करने वाला गुण से जीव को जगत कहलाते जगत यू you नो know, वो गति रूप से जगत वेरी फास्ट जंतु जीव जंतु अक्सर प्रयोग करते हैं जंतु जीव जीवरो नाम जन्म पाम्यो चय टाम चौरास लक यो जो नी रे माघी ने निसर गयो तागे जंतु हम लोग जन्म लेने से जंतु कहला जाता है ज मीस जन्म जीव जग जग, जग जन्मा है चौरास लाख योनियों में भी वह उत्पन्न हुआ और वहां से निकला है इसलिए उसका नाम जंतु है जंतु प्राणी ये सारे हम लोग योनि जीव अन्य वस्तुओं का उत्पादक यहाँ पे योनि का अलग मतलब निकाला यहाँ पे आचार्य श्री ने तो हमें पता है चौरासी लोगों ने पीछे जंतु में कह दिया दूसरे वस्तुओं का जन्म देने में उत्पादन करने में जीव अन्य वस्तुओं उत्पादक करता है अपने बुद्धि कौष्ठ से वह खट पट आदि अनेक वस्तुओं की रचना करता है इसे योनि कहलाता है योनिज योनिज भी आत्मा जीव का कहते हैं यहाँ पे योनि योनिज नहीं योनि है यानी कि वेरी गुड मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर एक्सेट्रा एक्सेट्रा स्वयंभू स्वयंभूत स्वयंभू स्वयंभू भुवा भूत हितय भूतले वृष्ठपतिर्त स्तुति है स्वयं स्त्रोत्र में स्वयंभू भू सारे स्वयंभू है जो कि उनके जो बोध ज्ञान है किसी से उनका टीचिंग नहीं हुआ है आप बाकी सारे आप देखेंगे आजकल जो भी भगवान माना जा रहा है उनका कोई टीचर रहा गुरुकुल में गए उनका कोई दोष नहीं कह रहे हम बट भगवान तीर्थंग को स्वयंभूत तो होते हैं जीव किसी का उत्पन्न किया हुआ नहीं है किसी से इसका नाम स्वयं है। स्वयंभूत है जीव स्वाभाविक द्रव्य है वह कभी विलय को प्राप्त नहीं होता है स्वयं षट्कार की उपजायमान है उत्पत्ति व्यपेक्षया, द्रव्य भाव भेद भिन्न खाद्यकर्मा अवय आविर्भूत स्वयंभू रिधि निर्दिश्य तो स्वयंभू भगवान को कहने कहना सकते हैं और को प्रयोग करते हुए उन्होंने अपने सभी अपना कर्मों को क्षय करते रहते हैं स्वयं भी षटकारक रूप होता है इसलिए वह स्वयंभू कहलाते हैं अथवा अनादिका से अधिदृढ़ बंदे हुए द्रव्य तथा भाव खाद्य कर्मों को नष्ट करके

शरीर पाचे नाम धरयो धरायो कालो गोराधिक नाम कहायो शरीर में रहने वाला जीव का नाम स शरीर ही है और अनेक अनेक रंग बिरंगे रूप में अनेक अनेक योनि जो देखेंगे आप स्पीशीज को क्या क्या है अपना जो भी वी नॉट डिस्क्राइब वी थिंक ओनली हम मनुष्य को मत सोचे कितना जे जीव जंतु सारे देखिए कीड़े मकोड़े देके जानवरों को देखे रंग बिरंगे अलग अलग रूप से वो शरीर को धारण करते रहते हैं इसलिए ये जीव को सशरीर ही नाम है नायक है नाई वाते कर्मारो नायक निज सुख तो दुख निज सुख दुख रो दई दु, दु, दायक तथा न्याय तनु करण धार ते तो बोले छो क्षय वचन विचार कर्मों का नायक होने से आपने सुख दुख स्वयं होने से जीव का नाम नायक है नेता नायक मोक्ष मार्ग से नेता जीव का न्याय करने वाला है विचार कर बात बोलने वाला है सो so, नायक मीन लीडर नयन से नायक होता है अपने आप को गाइड करते हैं सच्चे मार्ग में रखते हैं अच्छे मार्ग में रखते हैं द लास्ट वन आई थिंक आई कैन गिव इट ये थोड़ा विलंब हो गया अंतरात्मा जिसको आगे ले जाएंगे बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा समस्त शरीर में व्याप्त रहने से जीव अंतरात्मा कहलाता है जीव पुतकुलों में लोली लोलीभूत जिससे उसका असली स्वरूप दब रहा है तो इसका अंतरात्मा बारे में अगले में आगे ले जाएंगे पिका जो जिन वचनों में कुशल जीव और देह के वेद को जानते हैं ताजे जिन्होंने दुष्ट मदों को जीत लिया है तो सचमुच अंतरात्मा आपका अंतरात्मा है या नहीं आजकल बोलचाल में प्रयोग करना लग सो यहाँ तक रख के आगे और विस्तार से हम इसको डिस्कस करेंगे अभी मतलब ये रप्य भाय सुबोध प्रभुति सच शास्त्र सत्य चो उत्पत्ति्राप्ता इति भवसिता पूज्यस्तत प्रसाद सुपुत्र नहि कृतमुपकार साधवो विस्मरती मैं शुद्ध परंपरा को वंदना करता हूँ अपना कृतज्ञ क्रदेच्या, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ क्योंकि उसके बिना ये हमें इस जो हमारे ज्ञान को आगे बढ़ने सकता है अक्षर मात्र पतस्वर एनम व्यंजन संधि विवचित रेपम साधु बिरत्र मम क्षमित को नीमुख्य दिशा सुमुस्त्रे आप सभी से सभी नम्र से कहता हूँ तो कोई भी त्रुटियां वो शुद्ध करके आगे ले चले क्योंकि मेरा अज्ञान से प्रमा से इधर उधर कर गया वो अब क्षमा करें सादर आबा आई थैंक जे एस एंड मोर पर्टिकुलर प्रोफेसर भंडारी साहब थैंक यू सो मच आप सभी को सादर जय जिनेंद्र सर